हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं हूं अवधेश कुमार, स्वागत है आपका पेपर हैकर में। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्लोरीनेशन यानी हैलोजनेशन को एक्सप्लेन कर लिया है। अब जो बची हुई जैसे नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, वो इस सेगमेंट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। देखिए क्या होता है, जब भी हम फिनॉल की कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं नाइट्रिक एसिड से। किससे कराते हैं? नाइट्रिक एसिड से। ये है हमारा नाइट्रिक एसिड। फिनॉल की जब भी रिएक्शन किससे कराएंगे? नाइट्रिक एसिड से। किसके प्रेजेंस में? कंसेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो बेटा क्या बनेगा, तीन मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 रिएक्शन कर लेंगे, और यहां से और यहां से और यहां से, यानी 2, 4 और ये देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, तीन जगह से क्या निकलेंगे, H2O रिलीज हो जाएगा, H निकल के। और ये जो बनेगा, ये बनेगा 2, देखो ये 2 है, ये 4 है और ये 6, ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इस कंपाउंड का एक और नाम है पिक्रिक एसिड। क्या नाम है? पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड कहते हैं इसे, पिक्रिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ट्राई नाइट्रो फिनॉल, जैसे TNT होता है ऐसे ही TNP है। ये भी एक्सप्लोसिव है, विस्फोटक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे प्राप्त करोगे, क्या चीज, पिक्रिक एसिड, किससे, फिनॉल से। जब भी आप कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में HNO3 से फिनॉल की रिएक्शन कराओगे तो पिक्रिक एसिड बनेगा, जिसका नाम है TNP शॉर्ट में। यह बहुत ही विस्फोटक होता है। ठीक है, अगर यही रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस नहीं लेते हैं, बस टेम्परेचर ले लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस का, तो ये सिर्फ 2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर पाता है। देखिए, या तो ये आर्थो प्रोडक्ट देगा या फिर पैरा प्रोडक्ट देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा, तो मैं आपको बता दूं, या आर्थो पोजिशन पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के NO2 और OH के H में क्या हो जाती है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो जरा देखिए कैसे। ये है हमारा पिनॉल और ये आर्थो पर नाइट्रो लगा है, दिस इज आर्थो नाइट्रो फिनॉल। बेटा यहां इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, कौन सी होगी, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अच्छा, जो पैरा वाला बना है, देखो पैरा वाले को हम ऐसे बना लेते हैं, दिस इज फिनॉल और दिस इज नाइट्रो, ये नाइट्रो ग्रुप है। अब जरा देखिए, दूसरा फिनॉल है ये, और यहां नाइट्रो, देखो होगा क्या बेटा, इसके और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगे, ऐसे ये वाला H किसी दूसरे फिनॉल के नाइट्रो से लगा होगा, ऐसे ये वाला O किसी दूसरे फिनॉल के हाइड्रोजन से लगा होगा। यहां जो बॉन्डिंग हो रही है, ये है इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए वहां है इंट्रा, इंट्रा मीन्स होता है एक ही मॉलिक्यूल में, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल में होगी तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे, और जब मोर देन टू आर मोर देन टू मॉलिक्यूल्स में होती है तो उसे कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, इसको इंट्रा को कहते हैं अंतर, और यहां इंटर को हिंदी में अंतरा कहते हैं। ध्यान रखना, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंधन और ये हो जाएगा अंतर, तो ध्यान रखें जहां इंट्रा आ है यहां पर वहां अंतर होता है, जहां इंटर है वहां अंतरा होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक राइज हो जाता है
कि जो आर्थो नाइट्रोफिनॉल है ये बेटा जो होता है ये होता है आपका गैस, और ये जो होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल लिक्विड है। क्वेश्चन आएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल इज लिक्विड और आर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या है, गैस है। क्यों? रीजन आप बताएंगे, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसलिए इसमें ये एक ही मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहता है, जबकि इसमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे तो ये हाई मॉलिक्यूलर वेट का एक कंपाउंड हो जाएगा जिसका अणुभार बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जिनके अणुभार ज्यादा हो जाते हैं वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? यह बॉइलिंग पॉइंट से आता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। रीजन दोनों का सेम है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम नाइट्रेशन करा रहे हैं और नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में करा रहे हैं तो पिक्रिक एसिड बनेगा, और अगर यही 20 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बनना है, होगा यहां पे भी कंडीशन, यहां पे भी H2SO4 की है, टेम्परेचर थोड़ा सा लो है। ठीक है, अब मैकेनिज्म देख लीजिएगा इसकी नाइट्रेशन की, ये है। सबसे पहले H2SO4 टूटेगा किसमें, H प्लस और HSO4 निगेटिव में, किसमें टूटेगा, HSO4 निगेटिव में। ठीक है, तो जरा देखिए, ये है आपका H2SO4, ये स्टेप नंबर फर्स्ट में टूटेगा H प्लस प्लस HSO4 निगेटिव, ये मैकेनिज्म है, स्टेप फर्स्ट है यहां। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा, देखिए स्टेप सेकंड में आपने लिया H प्लस, इसकी रिएक्शन किससे हो गई, HNO3 से, दिस इज HNO3, ये देख रहे हैं आप, HNO3 है। ठीक है, यहां पर देखिए ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। क्वेश्चन आता है कि नाइट्रेशन में जो HNO3 है वो किसकी तरह बिहेव करता है और H2SO4 किसकी तरह, तो देखिए H2SO4 ने H प्लस दिया तो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और ये OH दे रहा है, देखिए ना यहां से ये चला जाएगा OH निगेटिव, NO2 पॉजिटिव बचेगा, ये NO2 पॉजिटिव हमारा क्या है, ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, और ये बना दिया इसने H2O, तो ये बेस की तरह बिहेव करता है। अब स्टेप थर्ड देखिए, ये मैंने आपको बताया ये आर्थो और पैरा पर अटैक करवाता है, तो आपने लिया है कौन, NO2 पॉजिटिव। बेटा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट करिए, ऐसा करने पर यहां निगेटिव हुआ यहां पॉजिटिव हुआ, ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गया, इसने यहां अटैक कर दिया, तो बना क्या, वो ये बना, OH इधर आपका H और इधर आपका NO2 लग चुका है, ये डबल बॉन्ड, यहां पर बेटा पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब ये जो बन रहा है इसका नाम क्या हो गया, रेनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, देखिए स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप थर्ड में पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है बेटा, क्या होगा, ये H यहां से निकल जाएगा, यानी H प्लस की फॉर्म में ये H निकल जाएगा और ये बनेगा, देख लीजिएगा यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां NO2 आ जाएगा और यहां OH, ये बन गया आर्थो नाइट्रो फिनॉल। अगर सेम ऐसे ही हम लोग, अगर अब यहां देखिए ये जो H प्लस था फोर्थ स्टेप में, जो H प्लस है ये कहां जाएगा, HSO4 नेगेटिव के पास जाएगा और ये बन जाएगा H2SO4, फिर से ये रिएजेंट रिएक्शन करवाने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए, ये तो हम लोगों ने आर्थो पे कराया है, अगर यही हम लोगों ने कहां कराया होता, यही हम लोगों ने कराया होता पैरा पोजिशन पर, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता, कैसे होता वो ये देखिएगा,
बाकी तो सेम वैसे रहता, यहां से चेंज होता, यहां से आपने यहां ले रखा ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और आपने लिया होता यहां NO2 पॉजिटिव, तो बेटा ये नेगेटिव यहां अटैक करता और ये यहां तो पॉजिटिव आया, यहां H है, यहां आपका NO2 आ गया, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, ये OH है, ठीक है। ये स्टेप होता, इसके बाद क्या होता बेटा, नेक्स्ट वाले स्टेप में ये H प्लस यहां से रिलीज हो जाता और ये बनता, ये बनता जो ये होता पैरा नाइट्रो फिनॉल और H प्लस बन जाता। नेक्स्ट स्टेप में वही वो H प्लस किसके साथ, HSO4 रिएक्शन नेगेटिव के साथ रिएक्शन करता और क्या बनाता, H2SO4 बना देता। ये मैकेनिज्म सेम है, बस आर्थो और पैरा दो अलग अलग पोजीशंस पर अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल की, यहां पॉसिबिलिटीज होती है अटैक करने की, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म थी, यहां स्टेप्स हैं ये सारे के सारे। अब हम नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे, वो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, नेक्स्ट रिएक्शन है, उस रिएक्शन का नाम है सल्फोनेशन। कौन सी रिएक्शन है, सल्फोनेशन। देखिए सल्फोनेशन में क्या है, जब फिनॉल की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कंसंट्रेट, किससे कंसंट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं 80 डिग्री सेल्सियस की प्रेजेंस में, तो आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलते हैं, यानी आर्थो पर आपका क्या मिलेगा, SO3H लगेगा या फिर पैरा पे लगेगा। अगर आर्थो पे लग जाता है, ये देखिए अगर प्रोडक्ट हमारा ये है SO3H, तो ये होगा आर्थो पे क्या लगा, देखिए इस बार ये मेरा फंक्शनल ग्रुप हो गया है, फंक्शनल ग्रुप ये है मेन, ठीक है। तो आपका आर्थो पर हाइड्रोक्सी है, तो आर्थो हाइड्रोक्सी, और वैसे क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दूसरा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो पैरा पे मिलेगा, तो यहां अगर हमारा SO3H लग गया तो जरा देखिए ये हमारा हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये हो जाएगा आपका पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्लियर है। इसकी मैकेनिज्म को हम लोग स्टडी कर लेते हैं। देखिए मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले जो H2SO4 है ये खुद रिजेंट की तरह भी काम करता है और ये रिएक्टेंट की तरह भी काम कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर H2SO4 टूटेगा H प्लस और HSO4 नेगेटिव में, पहले स्टेप में। स्टेप नंबर सेकंड में देखिएगा, ये H2SO4 के दूसरे मॉलिक्यूल से H प्लस रिएक्शन करेगा, अब क्या करेगा जरा देखिए, ये है H2SO4 टूटेगा H प्लस और HSO4 नेगेटिव। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, जो H प्लस है ये दूसरे H2SO4 के पास जाएगा, ये देखो दिस इज H2SO4, ये बेटा OH नेगेटिव और SO3H पॉजिटिव। यहां से स्टेप नंबर, ये तो फर्स्ट था, ये सेकंड है, यहां से ये क्या कर लेगा H2O रिलीज करा देगा, यहां जो बचेगा वो बचेगा SO3H पॉजिटिव, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है इसी का हमें फॉर्मेशन करना था। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में ये हमारा फिनॉल है, यहां पर हम अटैक कराएंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और यहां जो मिलेगा SO3H पॉजिटिव, ये देखिए ये नेगेटिव यहां से यहां अटैक करेगा, ठीक है, और ये बन जाएगा OH, इधर H, इस पर पॉजिटिव और यहां SO3H। मैंने आपको बताया था जब बेंजीन न्यूक्लियस पर यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं या फिर अरेनियम आयन कह देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है फोर्थ स्टेप में क्या होना है, ये एच है, ये SO3H है, ये ऐसे यहां आपका OH था, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ये देखिए ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इसके इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर देगा, मतलब H प्लस निकाल देगा यहां, और बनेगा क्या बेटा प्रोडक्ट, ये बनेगा OH, इधर SO3H,
यानी आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, अब स्टेप जो फिफ्थ बचा है वो क्या है, वो फिफ्थ स्टेप ये है कि जो एच प्लस है वो फिर से एच एसओ फोर निगेटिव के पास जाएगा और बनाएगा एच टू एसओ। क्लियर है? तो मैं बता रहा था आपको कि ये सल्फोनेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। मैंने आपको बताया जैसे नाइट्रेशन हम लोगों ने आर्थो और पैरा पे कराया है, वैसे ही सल्फोनेशन हम आर्थो और पैरा पर करा सकते हैं। क्लियर है? जैसे देखिए ये आपने कराया पैरा पोजीशन पे, ठीक है, और पैरा पोजीशन पे कराने से ये जो पैरा प्रोडक्ट मिला, मैं आपको बता दूं ये जो आर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे एक हमें मिला है OH और SO3H और एक मिलेगा OH और SO3H पैरा। बेटा ये जो है ये माइनर प्रोडक्ट होगा, बहुत ही कम बनेगा। माइनर प्रोडक्ट का मतलब बहुत कम मात्रा में, और ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिलेगा, मतलब दिस इज मेजर प्रोडक्ट, MAJOR मेजर प्रोडक्ट। याद रखिएगा ये मेजर होगा, ये माइनर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये आपकी मैंने दो ESR कंप्लीट करा दी, एक नाइट्रेशन और एक सल्फोनेशन। ठीक है, थैंक यू।